हाय दोस्तों, आजकल यूट्यूब कोई नहीं यूज करता। आप यूज करते हो, मैं यूज करता हूँ, लगभग सभी यूजर यूज करते हैं, लेकिन उसका अंदर डाटा सेविंग कैसा करना चाहिए, चलिए आपको वन बाय वन बताता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर, आप सभी का स्वागत है सीपीएस टेक्नोलॉजी में। चलिए यूट्यूब का अंदर वन बाय वन सेटिंग देखते हैं। यूट्यूब आप रेगुलर यूज करते हैं, लेकिन आप रफ यूजर है बोले तो आप कंपनी का तरफ से 1.5 GB मिलता है डेली का, लेकिन उसका अगर आपका डाटा है वो बसता नहीं, इसलिए आप बहुत रफ यूजर है यूट्यूब के। बोले डाटा सेवर कैसा लगाना चाहिए, फिर आपका यूट्यूब का अंदर का डाटा कैसे सेव करना चाहिए, चलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन बताता हूँ। तो इधर देख सकते हो आप, होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए आप यूट्यूब ऐप ओपन कीजिए। करने के बाद ऐसा होम स्क्रीन आता है, आने के बाद जाके इधर ऊपर आपका प्रोफाइल दिखता है, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इधर नीचे आने के बाद एक सेटिंग दिखता है, सेटिंग दिखने के बाद इधर ऊपर वन नंबर ऑप्शन क्या दिखता है, जनरल, जनरल के ऊपर क्लिक करने के बाद प्ले इन फीडबैक है ना, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हो आप इधर वाईफाई का है, फिर ऑफ है, फिर ऑन है। बोले तो आप ये ऑप्शन क्या है, बोले तो आपका जो भी यूट्यूब ओपन करने के बाद बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली प्ले होता है ना, वो आप रख सकते हो, उसका भी आप डाटा सेव कर सकते हो, वो आपके हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हो। मैं ऑफ रखता हूँ। चले नेक्स्ट ट्रिक क्या है देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है, डाटा सेविंग। इस डाटा सेविंग के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका अंदर मिनिमम आप 50% डाटा सेव कर सकते हो। आपका फालतू का ऐप का अंदर का बैकग्राउंड हो, जो आप किस अंदर जाके वीडियो प्ले करके फिर बैक आते हो, इसका अंदर 50% डाटा आप सेव कर सकते हो। या ऑन किया तो ऑटोमेटिकली आपका डाटा 50% बचता है। बोले तो आप डाउनलोड करना चाहते हो, फिर ये नीचे का दिखता है ना, डाउनलोड क्वालिटी, फिर ऑन डाउनलोड वाईफाई एंड है ना, उसके ऊपर क्लिक, ये दोनों आप रखिए। क्यों बोले तो वो आप कौन सा तो वीडियो डाउनलोड करना चाहते तो ऑटोमेटिकली वाईफाई ऑन रहना चाहिए, और आपके पास वाईफाई नहीं बोले तो आप ऑफ रख सकते हो, रहे तो आप ऑन रख सकते हो, वो आपके हिसाब से आप रख सकते हो, ठीक है। होने के बाद नेक्स्ट क्या है, ऑटो प्ले। ऑटो प्ले बोले तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऑटो प्ले इन नेक्स्ट वीडियो, इस ए एन ऑप्शन आने के बाद क्या है, आप एक वीडियो प्ले करते हो, होने के बाद वो नेक्स्ट प्ले होता है, वो आपका नहीं होना चाहिए बोले तो, फालतू का ओपन नहीं होना चाहिए बोले तो आप इधर ऑफ रख सकते हो, वो आपके हिसाब से आप कैसा चाहिए वैसा सेटिंग कर सकते हो। होने के बाद नीचे का क्या है, वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इधर क्या ऑटो है, हाई क्वालिटी है, फिर डाटा सेवर है, आपके हिसाब से आप कौन सा यूज कर सकते हो, आपके हिसाब से आप रख सकते हो। बोले तो आपका वीडियो डाउनलोड अथवा देखने का कौन सा क्वालिटी में चाहिए, आपको हाई क्वालिटी में चाहिए क्या, ऑटो में चाहिए, बोले तो जिस टाइप का आपका नेटवर्क है उस टाइप के जैसा चाहिए बोले तो आप ऑटो में रख सकते हो, नहीं बोले तो डाटा सेव भी रख सकते हो, ये आपके हिसाब से आप रख सकते हो, आपके हिसाब से आप सेव कर सकते हो। और एक बार नीचे क्या है, डाउनलोड। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर क्या है, डाउनलोड क्वालिटी। डाउनलोड क्वालिटी बोले तो क्या है, इधर देख सकते हो इतना ऑप्शन आ रहा है, इसका अंदर आप कौन सा भी चेज करके रख सकते हो, लो क्वालिटी है, मीडियम है, हाई क्वालिटी, फुल HD क्वालिटी है, आपके हिसाब से आप कौन सा भी चॉइस कर सकते हो। ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक भी कर सकते हो, बोले तो आप डाउनलोड करते समय वो पूछेगा आपको कितना क्वालिटी का वीडियो चाहिए, वो आपके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए गाइस, इतना ही सेटिंग था यूट्यूब के लिए। आपका यूट्यूब का डाटा कैसा सेव करते हैं आपको तो पता चल गया, आपको कुछ इस वीडियो में कुछ तो सीखने के लिए मिला, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।